जो अपन पढ़ रहे हैं वो किस तरह पे अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारा पाए इसको आप डिनोट करते हो आधा पाए से, तो इसका मतलब होता है कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव, अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स। अब इस साइन को डरना मत, इस साइन को देख के ये आधा पाए बनता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, आपको पहला क्वेश्चन है आधा पाए ऑफ 15 या पाए ऑफ 15, पॉजिटिव डिविजर ऑफ 15 कौन कौन से। तो सर सीधी बात है, 15 किस में आता है, 1 के टेबल में, 3 की टेबल में, 5 के टेबल में और 15 खुद के टेबल में। ये तो बचपन में अपन ऐसे 15 से भी निकाल सकते हैं ना, 15 से करते थे, हाँ कि ना। ठीक है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं लेट्स से 24 किस के टेबल में आता है, तो सर 24 अगर मैं बात करूं तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3, देन 4 अगर मैं आगे बात करूं, देन 6 अगर बात करूं, 6 देन 8 देन शायद 12 देन शायद 24 इटसेल्फ, सही है यहां तक। तो सर पहला वाला जो पूरा क्वेश्चन है वो ऐसी बात पे कि कौन से एन, इसका मतलब ही क्या, अगर मैं स्पाइक की जगह उसको अपन एन से डिनोट करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स। अब दूसरा वो बोल रहे हैं कि फाइंड द समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ एन मतलब सारे पॉजिटिव डिविजर्स का आप क्या निकालेंगे, सम। पॉजिटिव डिविजर्स का आपको क्या निकालना है, सम। पहला क्वेश्चन है आपके पास सम ऑफ 14, मतलब पहले 14 के डिविजर्स होते कौन कौन से, 1 2 7 और 14 इटसेल्फ। तो आप करोगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14, अगर मैं बात करूं शायद 24 आ रहा है, सही है। सम ऑफ डिविजर्स ऑफ, वो बोल रहे हैं 35 निकालो, हमने बोला ठीक है, किस किस के टेबल में आता है, 1 2 5 सॉरी 1 इसमें आता है 5 7 और शायद 35 इटसेल्फ, है ना। इसका सब निकाल लो, 35 प्लस 7 कितना हो, 42, 43 और ये कितना हो गया, 48, कितना हो गया, 48, सही है क्या है। तो ये सम ऑफ डिविजर्स हो गए, क्या हो गया, सम ऑफ डिविजर्स, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, अगर अपन इसके अंदर बात करें तो सर इसके अंदर बात करने की नेक्स्ट बात ये आपके पास, अब आपको बोला है फाइंड द, जो थर्ड पार्ट है आपके अंदर वो जो पार्ट आएगा वो है इफ समेशन ऑफ के की पावर एन। इसका मतलब है ये बोलना चाहते हैं सम ऑफ केट पावर, केट पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ एन, ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ एन। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे समेशन ऑफ टू एट, अब मुझे बता पहली बात तो एट के टेबल में क्या क्या आता है, एट किस किस के टेबल में आता है, तो एट आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। अब इनको 1 2 4 8 का सम नहीं चाहिए, इनको 1K² 2K² 4K² और 8K² का क्या चाहिए, सम। 1K² 2K² 4K² और 8K² का क्या चाहिए, सम। क्या पे लिखा था, 2, क्या लिखा था, 2। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इनको चाहिए समेशन ऑफ 3 ऑफ व्हाट, 6। अब 6 किस किस के टेबल में आता है, 1K 2K 3K और 6K। तो इनको किस किस का सम चाहिए, 1 2 3 6 का नहीं चाहिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब का इनको क्या चाहिए, सम। क्या चाहिए, सम। सपोज अपन निकाल सकते हैं 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस कितना, 216, तो जो भी इसका सम आए, ठीक है ना। अब आपको अगला बोला हुआ है फाई ऑफ एन, जब भी ये बोलाओ फाई ऑफ एन, इसका मतलब वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ, हाँ इसमें इन्होंने हाँ आधा पाया होता, नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू एन, इक्वल टू कितना, एन। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, अगर आपको देख रखा है फाई ऑफ 20 मतलब, तो मुझे बताओ 20 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 4 5 10 20, हाँ कि नहीं,
1 4 5 10 और कितना 20, सही क्या था। तो अगर अपन बात करें कि सॉरी इसमें सॉरी प्राइम्स बोला है ना, एक चीज ध्यान रखने लगी, 20 से नीचे वाले प्राइम नंबर कौन से, सॉरी ये आपको नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू व्हाट एन, तो 20 के नीचे कौन कौन से प्राइम होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 13 17 एंड 9। अगर मैं बोलूं पाई ऑफ 36 बोला है, तो 36 से नीचे वाले सारे प्राइम्स मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड देन 31, है ना, आ गया समझ में, ठीक है क्या पक्का। तो इन सब कितने ये गिनना पड़ता है, ठीक है ना। अब आपको बोला है अगला चीज क्वेश्चन में, आपको ऐसा ओमेगा का साइन बना के कि ओमेगा ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ, कोई चिंता की बात नहीं, उन्होंने बोला निकालो ओमेगा ऑफ 27। तो 27 को आप लिख क्या सकते हो नॉर्मल फॉर्म, 3 × 3 × 3, तो इसका प्राइम फैक्टर डिस्टिंक्ट सिर्फ एक ही है, 3 बार है बार बार, इसका कितना है एक ही। एग्जाम्पल उन्होंने बोला है ओमेगा ऑफ 1 1 10, तो 1 1 10 क्या आ रहा है शायद 2 × 5 × 11, इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कितने हैं 3, इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने हैं 3। अगर मैं बात करूं ओमेगा ऑफ आपसे 390 बोला है, तो 390 कैसे करूंगा, 2 × 5 × 3 × 13, हाँ कि ना। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कितने हैं 4, डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने हैं 4, सही है क्या यहाँ तक पक्का। चलो अब अगर मैं तुमसे बोलूँ तुमको ओमेगा ऑफ बोला है लेट्स से 72, तो उसको क्या ले सकते हो 2 × 2 × 2, सही है क्या, अगर × 3 शायद × 3 ऐसे कुछ, हाँ कि ना, 2 × 4 = 8, हाँ कि ना। इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने हैं, एक तो 2 था और एक कौन था 3, डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना हुआ 2। तो आपको इसमें कुछ सम्मम नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने, यहाँ पे डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने 3, यहाँ पे डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने हो गए आपके पास 2, कितने हो गए 2, ठीक है। अगर अपन आगे की बात करें तो अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मतलब साइन थोड़ा डिफरेंट कर करके मैथ्स के अलग अलग साइन इन्होंने सोच में कर रखा है, एन इज इक्वल टू टोटल, सिर्फ उन्होंने अलग अलग साइन यूज करें क्वेश्चंस के हिसाब से, अलग अलग एग्जांपल्स के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये ओमेगा ऑफ 39 बार, इसका मतलब कितना होगा 3 × कितना 13, इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, सही है। अगर मैं बात करूं आपके पास ओमेगा ऑफ क्या बोलते हैं 64, 64 किसके रूप में आता है 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, बस इतना ही। तो फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, फैक्टर्स कितने हो गए 6, 64 ले सकते हो ना 6। चले अब अगर मैं आपसे बात करूं ये बोल कर रखा है किसका 126 का, बताओ 126 को क्या लिख सकते हो 2, फिर बच जाएगा 63, फिर कितना लोगे 3, बच जाएगा 21, फिर लोगे कितना 3, कितना बच जाएगा 7, ऐसे ही कुछ। इन सब का सम कितना हो गया 1 2 3 और कितना 4, ठीक है यहाँ पक्का। चले अब आपको यहाँ पे कुछ नई चीज ऐसी है कि आपसे पूछा है कहीं ना कहीं यूलर्स टोटिएंट, कुछ नहीं होता इसमें, आपको इनडायरेक्टली नंबर ऑफ कुछ प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं जो को प्राइम्स के होते हैं। सीखते हैं अपन इस चीज को भी, जैसे आपको इसको डिनोट कर रहे हैं पाई, पाई 13, 13 क्या प्राइम नंबर है, अगर 13 प्राइम नंबर है तो आप इसे कुछ नहीं लोगे, आप इसमें से सीधे क्या कर दोगे एक माइनस, 13 - 1 = कितना
समझ लो कुछ एग्जांपल्स के साथ, पाई ऑफ कितना बोल रहा है 16। अब 16 प्राइम नंबर नहीं है ना, क्या ये 2 की पावर में समेशन हो सकता है? तो आप इसको लोगे 2 की पावर जितना भी होगा n माइनस 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 2। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आप लोगे 2 की पावर कितना 4 माइनस 2 का क्यूब, तो 16 माइनस कितना 8 इज 8। सर समझाना भी आपको, मैं और समझाऊंगा, मेरे पास है 22, क्या है 22 का ले सकते हो, 2 इंटू कितना 11, 2 इंटू कितना 11 क्योंकि प्राइम नहीं था, तो 2 इंटू कितना 11, तो इसका यूलर्स कोटिएंट क्या बनेगा आपके पास 2 माइनस 1 इंटू 11 माइनस, जैसे अपन ने वैसे 13 माइनस 1 कर दिया था ना, तो 2 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, अगर अपन देखें ये कितना जाएगा 10। सर लेकिन मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और क्लियर करो। चलो 30 को क्या लिख सकते हो, सर 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू कितना 5 शायद, बाकी तो इसका यूलर्स कोटिएंट क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 1 5 माइनस 1, समझ तो रहे हो, 1 इंटू 2 इंटू कितना 4 दैट इज इक्वल टू कितना 8। अगर आपसे यूलियर्स टोटियंट पूछ लिया कितने का 400 का, इसका उसको लिख क्या सकते हो 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 फिर इंटू 2 फिर शायद 5 इंटू 5 ऐसे कुछ, हाँ कि ना, चेक कर लो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16, सही है ना। अब देख यार एक बात अच्छी समझ में आ गई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो रहा है 2 की पावर कितना 4 और ये कितना है 5 का स्क्वायर, तो फिर ऐसे केस में अपन क्या लेंगे 2 की पावर 4 माइनस 2 का क्यूब और 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, सही है क्या यहाँ तक? ये पावर्स में आपको पहले भी ऐसे करना था, भी और भी क्वेश्चन रहे रुक जा, अगर बात तो दी कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 5, ये हो जाएगा 8 इंटू 20 डेट इज इक्वल टू कितना 160, कितना आ जाएगा 160। एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों की और मन की शांति के लिए, अगर आपसे phi ऑफ 9450 पूछा तो सर आप क्या करोगे, 9450 को पहले 2 से करोगे, बताओ कितना आएगा 4 5, फिर किससे करोगे 14, 3 से भी हो जाएगा 1 then 5 then 7 then 5, फिर शायद 3 से होगा क्या, हाँ फिर कितना हो जाएगा 5 2 5, फिर 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 1 7 5, फिर अगर मैं बात करूं तो आप 5 से करना पड़ेगा, चल तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 जा, फिर कितना आ जाएगा, तो सर इसको आप इनडायरेक्टली 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हो। सर अब इसका कोटिएंट कैसे निकालें, 2 माइनस 1 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1 इंटू 7 माइनस, ठीक है सर समझदारी तो आ रही है, तो 27 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू कितना 18, 25 माइनस 5 इज 20 इंटू कितना 6, सही है क्या यहाँ अगर हम बात करें सर, ठीक है अच्छी बात है। अब आपको अगले क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा है कि आप सम ऑफ टोटियंस निकालें, यहाँ आपको एक क्वेश्चन देके रखा है फाइंड द सम ऑफ Euler's quotient of all divisor of 16, all divisor of 16, सही है तो? अब पहले तो 16 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में, सही है तो? हाँ कि ना, अभी देखो 1 का तो आपको एज इट इज 1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 का आप 0 नहीं ले सकते, क्या 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, अच्छा 4 का क्या करोगे,
टू का स्क्वायर माइनस टू की पावर वन, इसको करोगे टू का क्यूब माइनस कितना टू का स्क्वायर, 16 को क्या लिखो टू की पावर फोर माइनस टू का क्यूब, सही है क्या? वन वन वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस टू कितना हो गया टू, एट माइनस फोर कितना हो गया फोर, 16 माइनस एट कितना हो गया एट, तो कितना हो गया 16, एक मिनट, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर दो पास क्या था एट। अब यहां पे पहले यहां तक करो फिर आगे बात, तो उसको बोलेंगे अपन मोबियस फंक्शन, क्या बोलेंगे मोबियस फंक्शन। तो सर ये बहुत उटपटांग की चीज होती है वैसे मोबियस फंक्शन, स्टिल अगर अपन बात करें तो मोबियस फंक्शन ये बोलता है कि पूरी डिपेंड करता है कि किसी चीज की डेफिनेशन में कितने प्राइम्स है, तो इसको ये म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ऑफ एन। इसके उन्होंने डेफिनेशन बोल के रखी है, अगर एन वन है, अगर एन की वैल्यू कितनी है वन, तो आंसर कितना हो जाएगा वन, ठीक है ना, आंसर कितना हो जाएगा आपके पास वन, अगर ये वन है तो आंसर कितना हो जाएगा वन। देन माइनस वन की पावर के इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ के, इफ म्यू एन इज अ प्रोडक्ट ऑफ के डिस्टिंक्ट प्राइम, के डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है ना। और अगला है इज इक्वल टू जीरो इफ इट हैज, इफ एन हैज वन और मोर रिपीटेड प्राइम्स, वन और मोर रिपीटेड प्राइम्स। सर मजा नहीं आया आप समझाएं, मैंने बोला देखो अब देखते हैं समझने की कोशिश करना आपको, अगर म्यू वन बोला मैं तो वन तो अपने आप में वन ही, तो जब वन था तो उसका वैल्यू कितनी होगी वन। अगर मैं म्यू टू बोल रहा हूँ, म्यू क्या बोल रहा हूँ टू, तो खुद बताओ इसको आप टू को लिख कर सकते सर, आप टू को अगर अपन बात करें तो ये इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या है प्राइम्स, वन इंटू कितना टू, टू को तो आप वन इंटू क्या लिख सकते हो टू। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको हो जाएगा माइनस वन की पावर कितना के, माइनस वन की पावर के, लेकिन इसमें प्राइम कौन है से टू ही है, वन तो प्राइम नहीं है ना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब यहाँ पे करोगे माइनस वन की पावर कितना वन, कितना हो जाएगा माइनस वन, समझो पहले म्यू थ्री अगेन इसको क्या ले सकते हो वन इंटू कितना थ्री, हाँ ना, तो क्या इस वाले फॉर्म में आ गया प्रोडक्ट ऑफ के डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ये कितना हो जाएगा माइनस वन की पावर कितना वन, दैट इज इक्वल टू कितना माइनस वन, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं म्यू फोर, इसका मतलब ये कितना होगा टू इंटू टू, अरे यार सर ये तो रिपीटेड प्राइम्स हो गए, तो रिपीटेड प्राइम्स में वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, रिपीटेड प्राइम में वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं म्यू फाइव तो कितना होगा वन इंटू फाइव, इसमें वन तो प्राइम नहीं है, तो ये कौन से वाले फॉर्म में आ जाएगा माइनस वन की पावर कौन से वन है के में, तो सर अगर हम आपसे समझें तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन की पावर कितना वन, दैट इज इक्वल टू कितना माइनस वन। सर म्यू सिक्स देखिए तो सर इसको लिख के सकते हैं टू इंटू थ्री, अब देखिए ये भी प्राइम है और ये भी कितना है प्राइम, दो प्राइम है, हाँ तो ये होगा सही माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना वन। म्यू सेवन को लिख के सकते हैं वन इंटू सेवन, क्योंकि वन तो प्राइम नहीं है सेवन प्राइम है, तो माइनस वन का वन इज इक्वल टू कितना माइनस वन। अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूं थोड़ा सा अगर साथ दें म्यू एट, तो लिख के सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू, हो सर रिपीटेड प्राइम्स, रिपीटेड प्राइम्स का मतलब कितना हो जाएगा ये जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। कोई मुझसे पूछे म्यू नाइन क्या होगा, सर म्यू नाइन का मतलब होगा थ्री इंटू कितना थ्री, दैट इज इक्वल टू कितना जीरो, सही है यहां तक। म्यू टेन कितना होगा, इट इज टू इंटू वॉट फाइव, मतलब माइनस वन टू, दैट इज इक्वल टू कितना वन। म्यू इलेवन कितना होगा, सर वन इंटू इलेवन मतलब माइनस वन की पावर वन, दैट इज इक्वल। म्यू ट्वेल्व कितना होगा, म्यू ट्वेल्व 2 into 2 into 3, ओ सर एक भी रिपीट हो गया,
आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। अब इसी पे आपका पूरा एग्जाम्पल नंबर 9 इस प्रकार से बेस्ड है कि उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू 45। मैंने बोला भाई म्यू 45 को लिख क्या सकते हैं, 3 × 3 × 5 क्या रिपीटेड प्राइम्स हो गए, तो आंसर कितना हो गया? जीरो। म्यू 105 पूछा, 105 को क्या लिख सकते हो, 3 से करोगे तो कितना आएगा 35, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 7। इसका मतलब तीनों अलग अलग प्राइम है, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू -1। म्यू 330, इसका मतलब क्या है, 2 × 5 × 11 × 3, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना 4, ये कितना हो जाएगा 1। म्यू 495, मतलब ये कितना हो जाएगा शायद 495 किससे जाएगा, 3 से जाएगा शायद, 495 को अपन अगर 3 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 165, फिर 3 से करें क्या 55। सर यहीं से वैसे मालूम पड़ चुका है कि इसके हालात क्या होने वाले हैं, यह है 3 × 3 × 5 × सर रिपीटेड प्राइम्स।